भारत से तनाव के बीच कनाडा ने ब्रैम्पटन शहर के कुछ सिख युवाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। स्थानीय पुलिस ने हथियार रखने के जुर्म में 8 सिख युवकों को गिरफ्तार किया है। कनाडा ने सिख युवकों पर यह कार्रवाई विदेश मंत्री एस जयशंकर की उस टिप्पणी के बाद की है जिसमें उन्होंने कहा था कि कनाडा में अपराधी, आतंकी और तस्कर एक साथ मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सिख युवाओं की गिरफ्तारी से संकेत मिलता है कि कनाडा अब इस तरह की गलती करने वालों लोगों पर सख्ती रखने को तैयार हो गया है। एक सूत्र ने न्यूज वेबसाइट द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा है कि गिरफ्तार किए गए सभी 8 युवा सिख हैं और उनके पास हथियार मिले हैं। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि वो खालिस्तानी समर्थक हैं। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में बड़ी संख्या में सिख आबादी रहती है। शहर में गोलीबारी की खबरें सामने आने के बाद सिख युवाओं की गिरफ्तारी हुई है। तलाशी अभियान से पता चला कि उनके पास हथियार भी थे। गिरफ्तार सिख युवाओं के बारे में जानकारी एक स्थानीय गुरुद्वारा से मिली जिसके मुताबिक सभी की उम्र 19 से 26 साल के बीच बताई गई। युवाओं पर प्रतिबंधित हथियार रखने का आरोप है। रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि वो ड्रग्स और अवैध हथियारों के गिरोह का हिस्सा है। भारत बार बार कहता रहा कि कनाडा खालिस्तान समर्थक तत्वों पर कार्रवाई करे लेकिन कनाडा अब तक इस मामले में चुप रहा। लेकिन अब सिख युवाओं पर कार्रवाई की ये खबरें सामने आई हैं। कनाडा में सिख युवाओं की गिरफ्तारी से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बेहद तीखा बयान देते हुए कनाडा को कहा था कि वहां अपराधियों, आतंकियों और तस्करों का एक खतरनाक गुट सक्रिय है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। इस आरोप के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ गए। भारत की सख्ती को देखते हुए कनाडा का रुख अब थोड़ा नरम पड़ा है। कनाडाई पीएम ट्रूडो ने हाल ही में कहा कि वो भारत के साथ बातचीत जारी रखना चाहते हैं और तनाव की स्थिति को बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन भारत कनाडा पर लगातार सख्ती का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। और इसी कड़ी में भारत ने कनाडा के राजनयिकों की संख्या को भी कम करने के लिए कह दिया, जिसके बाद अब माना यह जा रहा है कि भारत से कनाडा के करीब 41 राजनयिक देश छोड़कर जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।